आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा अपने सबसे पहले बकरे संजू की, उसके यहाँ आने की और फिर चले जाने की। आम तौर पे तो बकरों को काटने के लिए खरीदा जाता है, पर संजू की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इसे किसी ने बाबा बालकनाथ के मंदिर में चढ़ाया था, वहां से इसको किसी श्रद्धालु ने खरीदा और फिर अपने गांव में छोड़ दिया। अब क्योंकि गांव में सबको पता था कि संजू मंदिर में चढ़ाया हुआ बकरा है, तो किसी ने इसको काटा नहीं। एक दिन भटकते भटकते संजू को चोट लग गई और फिर संजू को यहाँ पे लाया गया। हमने इसका इलाज कर दिया और फिर इसको यहीं पे रख लिया कि भाई क्या पता सड़क पे कब किसी का ईमान बदल जाए, क्योंकि धर्म की पकड़ अब वैसी नहीं रही जैसे एक समय पे थी। संजू ने अपने आगे के साल यहाँ पे अपने बहुत से दोस्तों के साथ बहुत ही हंसी खुशी काटे। संजू को ना सिर्फ यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी मिली, एक अच्छी मौत भी मिली, एक नेचुरल डेथ जो कहाँ ही किसी बकरे के नसीब में आती है। पर इसके अलावा उसको एक और चीज मिली। सर आपको पता लगा होगा कि संजू बाबा एक्सपायर हो गए, तो आप कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहोगे जो आपने उसके साथ व्यतीत करे? संजू का जो लास्ट मोमेंट मेरे साथ था, उसने मुझे राजा से बचाया था। राजा पीट रहा था मुझे और संजू ने फिर राजा को बचाया। संजू, मैं आपको एक बात बता दूं, संजू जब गया है ना अपने साथ बड़े सारे सीक्रेट्स वो साथ ले गया, क्योंकि वो क्लिनिक में घुस घुस के जो उसने पन्ने खाए जो उन पे लिखा था वो सिर्फ संजू को ही पता था। उसके अलावा उसने कभी परेशान नहीं किया, मतलब ना वो मारता था ना कुछ, और वो काफ़ी मैच्योर और अपनी जगह में बैठे रहना, तो मैंने उसको हमेशा देखा है कि हाँ वो अपना आजू बाजू में बेटी जी मीमी और ऐसे सारे जो छोटे हैं बकरे या दूसरे जानवर आसपास में बैठे होते थे या वो खेल रहे होते थे, तो एक जो मोमेंट होता था ना देखने का, जब संजू यहाँ होता था और चार्ली को हम लेके आते थे, या जब भी वो दोनों इकट्ठे होते थे चार्ली संजू को आवाज़ मार के बुलाता था, संजू उसको दिखाई नहीं देता है, तब तक वो चिल्लाता रहता था कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। उन दोनों की फ्रेंडशिप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। कोई याद आती है उसकी? आती है याद, अब तक 5 साल से अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ उसके साथ अटैचमेंट है, तो याद तो आएगी। अब संजू एकदम ही बीमार पड़ा और चला गया, अरे दुख तो होगा ही। अब कोई एनिमल्स की हम जितनी सेवा कर रहे हैं और वो अगर चला जाता तो दुख तो होता ही है। संजू के मरने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी बकरे के मरने के बाद शायद ना हुआ होगा। जहां पे किसी बकरे के मरने के बाद लोग कहते हैं स्वाद था, संजू के मरने के बाद लोग कह रहे हैं वो अच्छा था।